Good morning, students. In previous video, we have studied that can we make change in the constitution if the conditions need so. Now, sixth point, an example of recently designed constitution. एक recently designed constitution का example का उदाहरण. Here we are giving you an example of such a country. हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं एक ऐसी कंट्री का विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंडेम्ड अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड टिल 1994, जो 1994 तक इस दुनिया की सबसे खराब या सबसे खराब अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में से एक थी. बट लेकिन ऑन 26 अप्रैल 1994 को इट हैज बिकम ए डेमोक्रेटिक एंड नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेटिक हो गई 1994 को एंड नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसे अब डेमोक्रेसी का मॉडल कहा जाता है. A constitution of South Africa consists of a preamble, 14 chapters containing 244 sections and 8 schedules. South Africa ka constitution ek pre ke andar kya hai? South Africa constitution mein ek preamble, 14 chapter containing 244 sections aur 8 schedules. But making of a constitution in South Africa was an extraordinary work. लेकिन साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था. लाइक इंडिया की तरह साउथ अफ्रीका हैज़ ए लॉन्ग जर्नी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. साउथ अफ्रीका की फ्रीडम स्ट्रगल की एक लॉन्ग जर्नी है. एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल एंड पीस, रूल इन द प्लेस ऑफ अपार्थाइड बेस्ड ऑपरेसिव रूल. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, द वाइट यूरोपियंस रूल्ड ओवर नॉन वाइट्स. जो व्हाइट यूरोपियंस थे वो नॉन व्हाइट्स के ऊपर रूल करते थे. आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला एंड अदर, नेल्सन मंडेला और उनके यूनियन के लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद ओपोजिट ग्रुप बिकम्स रेडी टू फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. ओपोजिट ग्रुप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए रेडी हुआ. बट द प्रॉब्लम थ्रू द रेशियल बट द प्रॉब्लम ऑफ द रेशियल थॉट white and black color of the people that create difference among them was the main problem. लेकिन जो racial color racial थी वो main problem उनकी, तो वो थी white और black का difference. In the way of making a democratic constitution in the South Africa में democratic constitution बनाने के लिए, the oppressor and the oppressed both were planning to live together as well as equals in this new democracy. जो oppressor थे और जो oppressed थे, मतलब जिन्होंने पहले rule किया और जिन्होंने rule सहा, both were planning to live together as equals in this democracy. ये दोनों plan कर रहे थे एक साथ रहने की as equals in this democracy में. It was not going to be easy for them to believe each other. एक दूसरे पर भरोसा करना उन दोनों के लिए बहुत इजी नहीं था. दे हैड देयर ओन वरीज, उनके पास अपने खुद के वरीज थी, अपनी खुद की चिंताएं थी. एंड वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट को, अपने इच्छा को सेफ गार्ड में सुरक्षित रखना चाहते थे. द ब्लैक मेजोरिटी वॉन्टेड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज. जो ब्लैक मेजोरिटी थी वो इंश्योर करना चाहती थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी रूल का, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो. दे वॉन्टेड बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, उन्हें बेसिक सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे. The white majority sought to protect its privilege and property. और जो white majority थी वो उनकी privilege और उनकी property को protect करने के बारे में सोच रही थी. After long deliberations, बड़े deliberations, बहुत ज़्यादा बैठकों के बाद, both groups agreed to a compromise. दोनों groups ने एक compromise के लिए agree किया. The whites accepted the principle of majority rule. जो white है वो majority rule के principle को accept करते हैं, उन्होंने accept कर लिया. एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और वन पर्सन वन वोट वाले तरीके को भी.
दे ऑल्सो अग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, उन्होंने बेसिक राइट्स एक्सेप्ट करने के लिए भी अग्री किया फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, पुअर और वर्कर्स के लिए. द ब्लैक एडमिटेड दैट द मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी ऑब्सोल्यूट, ब्लैक्स ने भी ये एडमिट किया जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा. दे एक्सेप्टेड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया जो मेजोरिटी है वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी पर टेक अवे नहीं करेगी, वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं लेगी. दिस कॉम्प्रोमाइज वुड नॉट ईजी, ये जो कॉम्प्रोमाइज था ये ईजी नहीं था. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, इस कॉम्प्रोमाइज को लागू कैसे किया जाए. इवन इफ दे मैनेज टू बिलीव ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करने की सोची भी, वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, इसकी क्या गारंटी थी कि उनका जो ट्रस्ट है वो फ्यूचर में ब्रोक ना हो, टूटे ना. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द 7th पॉइंट, वॉट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू, हैव अ गुड डे.